सावन के पावन महीने में राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर प्रांगण में आज अंगिका समाज की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सामाजिक कार्यकर्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने झारखंड प्रदेश अंगिका समाज की सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की। वहीं इस दौरान आलोक दुबे ने कहा कि बिहार झारखंड के नवनिर्माण में अंगिका समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। संगठन की कई समस्याओं से जल्द ही कृषि मंत्री बादल से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराया जाएगा। परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने मेंबरशिप लॉन्च किया है। अंगिका समाज के प्रदेश के महासचिव डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। जैसा इन्होंने बताया कि इस समाज के सदस्यों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, मुंगेर, ये पूरे इलाके को लेकर के इस समाज की देश के नवनिर्माण में बड़ी भूमिका रही। हम अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए आज मेंबरशिप की लॉन्चिंग पहाड़ी बाबा भोलेनाथ के दरबार से शुरू कर रहे हैं, और वो भी ऐसे दिन जब सावन का महीना शुरू हो रहा है। वहीं इस दौरान अंगिका समाज के महासचिव डॉक्टर मोहन सिंह ने ये मांग की कि अन्य भाषाओं की तरह अंगिका भाषा की भी पढ़ाई 10वीं और 12वीं कक्षा में होनी चाहिए और इस भाषा को भी पाठ्य पुस्तक और सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। झारखंड प्रदेश अंगिका समाज का गठन 2014 में हुआ और इसका पंजीयन तब से हुआ, और तब से लगातार हम लोग यहाँ के लोगों को जोड़ रहे हैं और हम लोग प्रयास करते रहे कि यहाँ अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिले, और 2014 में सरकार ने अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। और जब द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिल गया है तो जैसे यहाँ के नॉन रीजनल लैंग्वेज को जो सुविधा मिल रही है वही सुविधा यहाँ के अंगिका के लोगों को भी मिलना चाहिए। यहाँ बहुत सारे अंगिका क्षेत्र के बेरोजगार युवक हैं, अगर उन JPSC में और JSSC में अगर प्रतियोगिता परीक्षा में अंगिका भाषा शामिल हो जाए तो उस क्षेत्र के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि इसकी पढ़ाई होनी चाहिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।